आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे के खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। जलपल्ली इलाके में महेश्वरम के रुकन असेंबली टिगल कृष्णा रेड्डी ने एक मीटिंग रखी। मीटिंग में बहुत बड़ा कारनामा करते हुए उन्होंने शमशान घाट के लिए 13 लाख रुपए और वादिया मुस्तफा के कब्रस्तान के लिए 7 लाख रुपए और पब्लिक टॉयलेट के लिए 3 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। ये कारनामा 3 साल के बाद हुआ, जबकि इन्हीं के इलाके में कई लोग पानी के लिए परेशान हैं। जिंदे लोगों के लिए तो ये काम नहीं कर पा रहे हैं, हाँ मुर्दों के लिए ये बड़े MLA बन के फिर रहे हैं। अब इनको कौन समझाए? हम बारहा पहाड़े शरीफ जलपल्ली के इलाकों में जिस तरह से अवाम का गुजर बसर हो रहा है, वो लगातार क्राइम टुडे न्यूज उसको मंजर आम पे ला रहा है और वहाँ के लोगों की तकलीफ अवाम के दरमियान ला रहे हैं। लेकिन ये MLA बजाय उनकी तकलीफ को सुनने के मुर्दों के पास पहुंच रहे हैं। लगता है कि रुकन असेंबली टिगल कृष्णा रेड्डी जिंदों से ज्यादा मुर्दों के करीब हो रहे हैं। इस मौके पे TRS के मुकामी सदर इकबाल बिन खलीफा भी मौजूद थे। हमीद के साथ मई शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। आज जो है चार ग्रेवयार्ड की जो है डेवलप करके 13 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंग एंड RCC 2 पाइप्स दोनों के लिए जो है 7 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। उसके बाद पब्लिक टॉयलेट्स कल भी नहीं थे, अभी जो कल पहले म्यूनसिपालिटी नंबर 1 अभी टॉयलेट्स में आया और उसको जो है 3,50,000 रुपये एक ही खर्च करके जो है टॉयलेट्स बना रहे। अवेयरनेस प्रोग्राम स्वच्छ हैदराबाद मारुति भवन बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 10 लाख रुपए दिए, पूरा जो है वो लोगों को 4 करोड़ रुपए दे के जो है ये गरीब लोगों के लिए मुख्यमंत्री से अपना करें तो बैंक वाले भी सामने आके जो है लोन्स दे रहे। पहाड़ी शरीफ के लिए क्या दिया, क्या कर रहे हैं सर? पहाड़ी शरीफ के लिए डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? पहाड़ी शरीफ बहुत कर रहे हैं, अभी क्या डेवलपमेंट कर रहे सर? बहुत करे पहाड़ी शरीफ पे, हम आने के बाद ही करे, कांग्रेस वाले कुछ नहीं करे। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ सर, बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं वहाँ पे। पहाड़ी शरीफ में जो ईदगाह के पीछे कब्रिस्तान है 18 लाख रुपए उसको बाउंड्री के लिए सैंक्शन करा है, उसके दूसरा भी पुट इन फाइनेंस में और एक 20 लाख पूरा 40 लाख का सैंक्शन वर्क हुआ, मगर जो प्रॉब्लम इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन आया था इसलिए उस वजह से काम रोके। अब वो कर स्टेबनेस है, सुप्रीम कोर्ट का स्टे चाहिए 8 महीने, तो अगर चार्ज में तीसरे वर्कर्स इमीडिएटली काम करते और उसके साथ साथ मेन काम क्या होता है, पानी का जो मसला है वहाँ पे मीठे पानी का, आपको मालूम है पहाड़ी शरीफ में कहीं भी जगह नहीं मिली, तो अपन सूबा कॉलोनी में जमात इस्लामी मदरसे में 2500 का ज़मीन लेके 20 लाख लीटर का बड़ा रिजर्वर वहाँ बना रहे हैं, वहाँ से पानी इंशाल्लाह 6-8 महीने में ड्रेनेज सिस्टम कब से चालू होगा? ड्रेनेज सिस्टम को पूरा UGD सिस्टम अंडरग्राउंड टाइप है, ये ईयर ओनली वाटर सप्लाई का हर रोड पे खोदना पड़ता है, उसको हर घर को टैप कनेक्शन देने के लिए पूरे रोड अब डैमेज होते हैं। तो गवर्नमेंट का प्लान भी नेक्स्ट 18 में DPR बना रहे, पूरे 4 विलेजेस को भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए बना रहे, वो नेक्स्ट 18 के बाद में वाटर सप्लाई का हो गया, नेक्स्ट अंडरग्राउंड ड्रेनेज उसके बाद में CC। गवर्नमेंट पूरे सराउंडिंग म्यूनसिपालिटीज़ को जितने भी आउटर रिंग रोड के अंदर है पूरा उनको नेक्स्ट 18 में वाटर 19 में अंडरग्राउंड ड्रेनेज। 3.5 साल से जो है जहाँ तक जितना कोशिश हुआ हम MLA बनने के बाद, पहली बार जलपल्ली का मेन रोड तो नहीं था, 19 लाख लगा के मेन रोड लगा, सीमेंट रोड लगा था, शाही नगर में लगा, चुप करे अभी है मसला है, मसला हल करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी जो है पब्लिक के लिए करंट आ रहा, पानी आ रहा और बड़ा हो रहे और पिंशन हो रहे, 200 रुपये पिंशन देते थे कांग्रेस पार्टी, आज जो 1000 रुपये दे रहे, 1500 विकलांग लोग दे रहे। नहीं पिंशन दे रहे हैं सर, मगर उन लोगों को प्रॉब्लम बहुत हो रहा है सर पिंशन के लिए। प्रॉब्लम बहुत सब होता है कि आप भी में हमारे पास कितना है क्या? नहीं सर, जो बूढ़े जईफ है चादिल पाकिल दूंगा। नहीं नहीं, 4-4 महीने 6-6 महीने तक उन लोगों को ब्रेक कर रहे हैं सर, उन लोगों बालापुर बंडल में 4 महीने रही दो भी वो पूरा कौन मिलके दे रहे, अगर कुछ दिक्कत हुई तो वो सर्वर है परसों तक सर्वर डैमेज था, सर्वर कंप्लीट होने के बाद 4 महीना देते नहीं, एंट्री हो जा रही सर मगर 4 महीने की एंट्री हो रही है मगर 1 महीने की दे रहे हैं। आपको जवाब नहीं दे सकता हूँ, हम जहाँ तक 4 साल से जो करें वो ही नहीं कर सके, अभी 2 साल हमारे बाकी है, 2 साल के अंदर हम करके बताए।
आप जो बोले वो भी नोटिस पे नहीं लेगा, कैसा है हम कमिश्नर माए सच की तलाश का नाम आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।